भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मेरे साथ हैं। सर, संसद में आपका पहला टर्म है, लेकिन आपने देखा कल काले कपड़े में आए थे। अब विपक्षी दल जो है उनका डेलीगेशन सांसदों का मणिपुर जा रहा है, क्योंकि आप लोग वास्तविक स्थिति की जानकारी संसद में उनको देने में फेल रहे हैं। बीजेपी सरकार फेल रही है। बीजेपी सरकार फेल नहीं है, ऑपोजिशन फेल है। ऑपोजिशन कन्फ्यूज है, उनको जानकारी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, वो कितनी भी संख्या में हो, कोई भी हो। उसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हुए, पर वो चर्चा की मांग करके भाग जाते हैं खुद ही। ऐसा विपक्ष तो पूरे देश ने कभी देखा ही नहीं होगा कि इतना कन्फ्यूज विपक्ष है कि मांग करते हैं चर्चा के लिए और जब चर्चा सरकार करना चाहती है खुद ही भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बयान दे, आप लोग उस पर तैयार नहीं? मुझे लगता है कि हर चीज़ का विभाग होता है और जिस विभाग का मामला है उस विभाग के लोग जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, रक्षा मंत्री जी तैयार हैं, तो उनको जवाब लेना चाहिए। अब मणिपुर मामले का जो केस है वो सीबीआई को देने की बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि वहाँ कई कदम उठाए गए हैं और जो पूरी जांच है वो सीबीआई को दे रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई भी हिंसा होती है या कोई वारदात होती है तो उसकी सही जाँच करके और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो देश के किसी भी हिस्से में हो। तो मुझे लगता है कि ये सही कदम है। विपक्षी सांसद जा रहे हैं, इससे कोई एतराज़ तो नहीं है आप लोगों? क्यों एतराज़ होगा, जाना ही चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पास जानकारी का अभाव है। वहाँ पे कितने लोगों को सज़ा मिल रही है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उस चीज़ की जानकारी लेंगे तो अच्छी बात है, उनको लेना चाहिए जानकारी। शुक्रिया, थैंक यू। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।